मैं तरला दलाल बोल रही हूँ. आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल कटलेट्स. कटलेट्स ऐसी चीज़ है, बड़े को छोटे को सबको अच्छी लगती है. और इसके लिए हमें चाहिए, चलो अब हम बनाना चालू करते हैं. ये है तेल. तेल थोड़ा गर्म होने के बाद हम डालते हैं प्याज. प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे. खाली एक मिनट, नॉट ज्यादा. ये देखो अभी अपना प्याज हो गया. हम डालेंगे सब सब्जियां. ये है आलू, थोड़ा सा पानी जाए तो हरकत नहीं, वो पकने में जल्दी पक जाएगा. आलू, ये है फ्रेंच बीन, गाजर और कैबेज. अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करें. इसको हम अच्छी तरह अब पकने देंगे. कवर एंड कुक ऑन अ स्लो फ्लेम अंटिल ऑल द वेजिटेबल्स आर कुक्ड. सब भाजी पकना चाहिए धीरे धीरे धीरे. 10 से 12 मिनट लगे. ये देखिए बीच में हिलाते रहे ना 5 मिनट के बाद. अरे जो थोड़ा सा चिपकेगा ऐसा लगता है तो थोड़ा सा पानी मारना, थोड़ा सा पानी मारना तो भाजी चिपकेगी नहीं और अच्छी तरह पक जाएगी. मैं एक बात कहती हूँ, अभी जो हम लोग बना रहे हैं ना वो कटलेट्स हम बॉयल्ड वेजिटेबल्स और बॉयल्ड आलू से बनाते हैं और लॉट्स ऑफ गरम मसाला एंड डिफरेंट अदर मसाला, तो उसका स्वाद अलग ही है, इसका स्वाद भी अलग है. आप दोनों तरीके बना के देखिए, देखिए कौन सा अच्छा लगता है. ये देखिए अपनी सब्जी पक गई है. अभी अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, आपको जितना तीखा करना है इतना, हल्दी, एक बात मैं आपको अभी कहूँगी कि ये सब है ना दाने सब अलग अलग है. अभी उसको हमें क्या करना है, उसको एक साथ बनाना है. तो अभी कैसे करेंगे, ये मिक्स करके इसके ऊपर हम क्या छिड़केंगे, मैदा. इट टेक्स अराउंड 1 or 2 टेबलस्पून और हिलाते जाने तो अंदर का जो पानी है ना ये मैदा चूस लेगा, ये मैदा चूस लेगा और फिर क्या करते जाना, एक मैशर से उसको दबाते जाना. सब्जियाँ एक जीव बन जाए. देख लिया ना, मिश्रण तैयार. थोड़ा सा नीचे चिपकेगा, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है. चिपकेगा तो ही अच्छा स्वाद आएगा ना. ये देखिए कैसा जम गया. उसको अभी बराबर ठंडा होने दीजिए, फिर उसको कटलेट का शेप दे दीजिए. देख लिया, ये है अपना मिश्रण. अच्छी तरह ठंडा होने दीजिए. ये देखिए अपना मिश्रण तैयार. अभी कटलेट का शेप देंगे उसको.
ऐसे कैसे ऐसा ऐसे कटलेट बनती है। आप रेलवे में कभी ट्रैवलिंग करते हो वहाँ कटलेट देते आपको मालूम है वो क्या डालते? बीट रूट। पर बढ़िया लगती है उससे भी। सब लोग तरह तरह से कटलेट बनाते हैं पर दिस मैं कहती हूँ ये सबसे बढ़िया टेस्टी कटलेट मिक्सचर है। हाँ ये देखिए अपनी कटलेट तैयार हो गई। अभी इसको हमें मैदा के मिश्रण में डालेंगे। ये देखो अच्छी तरह उसको गोल को तैयार करें। स्मूथ चाहिए हाँ गोल। गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी डालिए। ये अपना गोल हो गया तैयार। दबा के हम डुबाएंगे इस गोल में और फिर हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स पर जिसको बोलते हैं पाव का चूरा। सूखा पाव का चूरा। ये बन गई अपनी कटलेट तैयार। ऐसे सब बना के रख दीजिए। चलो अब हम फ्राई करते हैं। द बेस्ट वे टू फ्राई पुट इट हियर एंड स्विच इट ऑफ एंड डोंट फ्राई मोर देन चार। तीन है मैं बोलती हूँ, दो भी बहुत हो गया। बढ़िया बन रही है। और थोड़ा होने देती हूँ, लिटिल मोर। सुनहरा रंग बोलते हैं ना, ऐसा आना चाहिए। बन गई अपनी कट। आपको मेरी सिंपल रेसिपी कैसी लगी? आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और आपको मेरी दूसरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। अरे हाँ आपके सजेशंस और कमेंट्स ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए।